राजधानी रायपुर में लगातार दो दिनों तक हुई कांग्रेस की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अनुभवी प्रत्याशियों पर दाव खेलेगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन के साथ ही चुनावी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस इस चुनाव में मोदी सरकार की 10 साल की वादा खिलाफी के साथ ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार की गारंटी पर भी घेरने का प्लान तैयार कर रही है। सचिन पायलट ने बैठक के बाद कहा कि 11 लोकसभा के सभी वरिष्ठ नेताओं से खुले माहौल में चर्चा की है। सभी प्रत्याशियों के सकारात्मक और नकारात्मक सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा इस चुनाव में नए लोगों के साथ ही जो अनुभवी है और जो चुनाव जीत सकते हैं उन पर पार्टी अपना दांव खेलेगी। भाजपा जिन वादों के साथ सत्ता में आई है वह उसे पूरा नहीं कर पा रही। कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल का हिसाब जनता के बीच जाकर पूछेंगे। पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी है, इससे महिलाएं बच्चे छोटे दुकानदार सब पीड़ित है। कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम अलग अलग जिलों के हमारे नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य, उन सब से गहन चर्चा करी है और लोकसभा चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं और किन लोगों को आगे नाम प्रस्तावित करने हैं इस पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल कहा, बड़े खुले माहौल में सब लोगों ने अपनी राय दी है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में कम नहीं हुआ, हम सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन लोकसभा की चुनौती के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं और आज जो हमारी यूथ कांग्रेस की प्रदेश की कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग हुई है, उसको हम सबने संबोधित किया है। पूरी पार्टी, तमाम नेतागण एकजुटता से तैयार हैं आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उनसे वो कठोर सवाल पूछेंगे। जनता की आवाज़ बनकर महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छोटे उद्योग, महिला, नौजवान, हर व्यक्ति पीड़ित है और 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में 10 साल की परफॉर्मेंस उसका जवाब केंद्र की सरकार दे और भारतीय जनता पार्टी दे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।